सत्यसाई भजन मंडली कहनर गांव द्वारा कहनर गांव में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया, जहाँ वीरेंद्र शास्त्री ने अपनी मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कलयुग में कथा का क्या महत्व है बताते हुए कहा कि कलयुग में कथा सुनने से भगवान के प्राप्ति होती है और समिति के सदस्यों ने कथा में अपनी सेवाएं प्रदान की। कलयुग में भागवत का क्या महत्व है? कलि काल में भागवत कथा का बहुत महत्व है, इतना महत्व है कि बिना भागवत कथा के मानव का ये मानव जीवन दिशा शून्य हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। यदि सही सही मानव के लिए दिशा प्राप्त होती है तो वो भागवत कथा से ही होती है। चाणक्य नीति में बताया है कथा की इतनी उपयोगिता है कि श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा ज्ञान ममाप्नोति, श्रुत्वा मोक्ष ममाप्नुयात्। कथा श्रवण करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, कथा श्रवण करने से ही हम अपने आप को समझ पाते हैं और हमारे धर्म के लिए समझ पाते हैं। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, और कथा श्रवण करने से ही हमारी सद्बुद्धि बनती है, दुर्मति समाप्त हो जाती है, सुमति में परिवर्तित हमारी मति हो जाती है। इसलिए भागवत कथा की अति उपयोगिता है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात भगवान की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। जब भगवान जाने लगे अपने स्वधाम के लिए लीला संपन्न करके, उस समय उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे प्रभु, आगे चल के संसार के भक्तों के लिए क्या आधार होगा। तो उद्धव जी के देखते देखते और भगवान श्री कृष्ण का पावन दिव्य श्री विग्रह भागवत के रूप में परिवर्तित हो गया, या यूँ कहें कि भागवत जी में ही भगवान समाहित हो गए। इसलिए भक्त जन जब आरती करते हैं तो कहते हैं श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।